वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो के अंदर अनदर स्क्रैच आउटफिट है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था और एक वीडियो में भी शॉर्ट्स में भी बताया था मैं कौन सा नेक्स्ट आउटफिट बना रही हूँ स्क्रैच आउटफिट। मेरे पास ना फैब्रिक था, मैं पहले वैसे मम्मी के सूट लेने के लिए गई थी मार्केट, तो वहां पे फैब्रिक देखते देखते ना एक खुला पड़ा था फैब्रिक ऐसे, तो मेरे को देख के ना प्रिंट काफी अच्छा लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि इसका रेट क्या है। तो उन्होंने बोला सिर्फ 350 रुपीज 5 मीटर। मैं लिया था यार मांगड़ में, पार्वती शॉप है हिसारे मार्केट में, तो वहां से मैं लिया था ये। तो उन्होंने बोला 5 मीटर आपको 350 रुपीज में मिलेगा, तो मुझे काफी सही रेट भी लगा। और फैब्रिक थोड़ा सा मतलब ये कहूँ छिजने वाला फैब्रिक है, खुलने वाला फैब्रिक है, बट इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइट सूट या कुछ ऐसे तरीके से बना रही थी। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी कि चल भी जाए सूट और ये प्रिटी भी लगे, है ना। तो वो वहां से मैंने पीस कटवाया। उसके बाद पीस कटाओ काफी टाइम से पड़ा रहा। फिर मेरे दिमाग में फिर मतलब एकदम मैं पिंटरेस्ट करके बैठी थी ऐसे नॉर्मली, तो करते करते मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ रणवीर सिंह का बना रही। तो मैंने जैसे आईडी खोली उसके सामने ये वाली पिक्चर आ गई रणवीर की। तो हालांकि इसका प्रिंट थोड़ा अलग है बट कलरफुल है, वैसे वही थोड़ा सा ऐसे प्रिंट सा है समथिंग, मतलब बहुत ऐसे तो देखो जब प्रिंट में देखा है तो बहुत अलग जाएगा, बट हम पैटर्न सेम बनाएंगे। तो ये मैंने देखा तो मैंने कहा कोआर्ड सेट कुछ है ये, तो मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ। अभी तक मैंने एक भी नहीं बनाया, तो मैंने फिर उस फैब्रिक का बनाया। वो फैब्रिक मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी इस टाइम पे ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम पे इसका बॉटम रेडी है, जो रणवीर सिंह ने पहना है, मतलब नीचे पजामा कह लो या जो भी कह लो ट्राउजर कह लो वो रेडी है, शर्ट बाकी है। तो शर्ट का कपड़ा मेरे हाथ में है, तो ये कटिंग की ओर मैं कपड़ा आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये कपड़ा है, पहले आप कपड़ा ही देख लो ये वाला। अब इस कपड़े को क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनसे पूछा ही नहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि ये 2-2.5 महीने पहले का लिया हुआ है। तो उस टाइम पे इतना मैं थी नहीं स्क्रैच आउटफिट बनाने वाले से कि लाइक बनाऊं ऐसा कुछ था, तो उस टाइम पे लिया हुआ है। बाकी ये थोड़ा सा शाइनी फैब्रिक है, थोड़ा छिजने वाला फैब्रिक है, एंड कॉटन नहीं है, सिल्क भी नहीं है, मिक्स सा है कुछ, एंड शाइन है इसके ऊपर। और इस पर ये जो फॉल वर्क हो रखा है, फॉल वर्क की बोलते हैं इसे, गोल्डन सा जो काम हो रखा है, ये फॉल प्रिंट ये वाला जो भी है ये प्रिंट हो रखा है इसके ऊपर। एंड या तो ये सिर्फ इतना सा कपड़ा बच गया अभी, इतना ही। ये देखो कटिंग आपको दिख रही है, यहाँ से मैंने इसका ट्राउजर नीचे निकाला हुआ है, तो ये पतला पतला सा कपड़ा है साइड पे, मेन कपड़ा तो ये है अब इसका, इसमें से मुझे अपर निकालना है। और इसी के साथ का मैंने ले लिया था फिर अस्तर ले लिया था, ये मुझे कॉस्ट करा था 42 या 45 रुपीज मीटर जस्ट, क्योंकि मैं होलसेल शॉप से लेती हूँ, तो ये मुझे 4 मीटर मैंने लिया था इसके अंदर आई थिंक, हाँ 4 मीटर था, 5 मीटर ये कपड़ा पूरा, 5 मीटर ये कपड़ा, 4 मीटर ये वाला, ठीक है। तो ये मैं लिया था, तो ये मेरे सामने जो था रणवीर सिंह वाला कि मैंने इसका बनाना है कोआर्ड सेट। मैंने कुछ भी बनाया था अभी तक, आप लोग भी बहुत बोल रहे थे कि कोआर्ड सेट बनाओ, तो मैंने कहा चलो अब कोआर्ड सेट बनाते हैं। तो पर इस टाइम पे बॉटम रेडी है, शर्ट अभी बनानी है, लेकिन ट्रांजिशन के बाद सब रेडी हो जाएगा, सब पहन के आ जाऊंगी। यूज नहीं हुआ, इलास्टिक यूज हुई है और फ्यूज पेपर यूज हुए हैं, कॉलर बनाने होते हैं इसमें, तो बाकी कुछ भी यूज नहीं हुआ इसके अंदर, बटन है थोड़े बहुत बस, और कुछ भी यूज नहीं हुआ इसके अंदर। बाकी अभी शर्ट बाकी है, शर्ट ही मेन है, बॉटम के अंदर तो कुछ भी लगा नहीं इलास्टिक के अलावा, तो इसमें कुछ और बताने वाली बात नहीं है। तो आप भी किसी भी फैब्रिक, चाहे कॉटन फैब्रिक है, ऑब्वियसली कोआर्ड सेट तो ज्यादा कॉटन के पीछे लगते हैं, गर्मी में पहने जाते हैं, तो कोई भी फैब्रिक है आपका, साड़ी है वो ऐसी आपकी लाइक कांजीवरमा बोलते हैं साड़ियां, फिर बनारसी साड़ियां बोलते हैं, उनकी भी आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे रणवीर सिंह ने पहन रखा है ये कोआर्ड सेट, तो वैसे भी आप बना सकते हो। तो अभी टाइम हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम ट्रांजिशन करते हैं, उसके बाद मुझे सब एक्सप्लेन करना होता है, ट्रांजिशन के बाद भी उस चीज को बताना होता है, कोई बनाने में कमी रह जाती है ना कुछ, वो सब चीजें पहले आपको बता दूं ताकि आप बना रहे हो तो आप में से कोई कमी ना रहे। इसलिए तो अभी मेरे पास ये फैब्रिक है, तो इसको लेके ही हम ट्रांजिशन करते हैं। तो हम ट्रांजिशन करते हैं 1 2 3। है जो रणवीर सिंह का मैंने रिक्रिएट करा है, उसका आउटफिट भी कुछ ऐसा ही है, वो प्रॉपर बॉय स्टाइल के अंदर है, मैंने थोड़ा अपना गर्लिश रखा है बीच में। तो बात करते हैं आउटफिट के बारे में। तो मैंने बनाया ऊपर शर्ट और नीचे ट्राउजर, काफी लूज बनाया यू कैन सी, क्योंकि ये जो कोआर्ड सेट होते हैं थोड़े कंफर्टेबल होते हैं ताकि पहनने में आसानी हो सके और
ब्रीथेबल हो सके. लाइक समर में हमें वैसे भी थोड़ा खुलने दुले अच्छे लगते हैं. एंड यहाँ पे मैंने दो पॉकेट्स रखी हैं, तो या यहाँ दो पॉकेट्स हैं. एंड देन ऑब्वियसली शर्ट में नॉर्मल जैसे बटन होते हैं, देन यहाँ पे काज वगैरह जो भी कहते हैं बटन्स, एंड कॉलर जो पहली बार लगाए हैं एंड काफी प्रीटी लगे हैं कॉलर. एक बार भी मैंने स्टिच खोला नहीं, टू छोटी. एंड स्लीव्स पे मैंने वो क्या होते हैं कफ बोलते हैं ना, वो नहीं मैंने लगा. ये जो स्लीव्स पे कफ इसलिए लगाए मैंने क्योंकि मैंने ना वो खोला, अर्बैनिक खोला, अर्बैनिक पे चेक करा, तो अर्बैनिक पे काफी क्वार्ड सेट ऐसे थे जिनके लगे भी हुए थे, काफी ऐसे थे जिनके नहीं भी लगे हुए थे. तो मतलब गर्ल्स के लिए देखा जाए कैसा भी गर्ल्स लुक सो गुड. आप देख सकते हैं, अब इसको मैं आसानी से कहीं भी पहन सकती हूँ. ऐसे क्वार्ड सेट हम घर पे भी पहन सकते हैं. बट इसमें मैंने अस्तर वाला काम करा है, अस्तर लगा हुआ है, आपको दिखा देती हूँ पास से. यहाँ पे अस्तर लगा हुआ है, ठीक है. तो अस्तर वाले हमें थोड़ा सा ऐसे होता है कि घर पे पहनने में ज्यादा ही गर्मी लगती है हमें ना, तो बाकी इसे मैं घर पे पहन सकती हूँ. कहीं ट्रैवल करने जा रही हूँ दिल्ली जयपुर कहीं भी जा रही हूँ कहीं भी, तो ट्रैवल में पहन सकती हूँ, वैसे भी पहन सकती हूँ. क्वार्ट्ज सेट ऐसे नहीं होते कि हम घर पे पहन लें, ये वैसे भी होते हैं पहनने के लिए. आप देखते होंगे काफी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स पहनते हैं इनको, जैसे मैंने आज स्टाइल करा हुआ है. मैंने क्या करा है, आज दो चोटियां बनाई है सेंटर पार्ट, देन हल्का का ट्विस्ट एंड हुक्स पहने बड़े, एंड ये बैग मैंने खुद ने ही जो बनाया था, ये वाला बैग. ऐसे बैग की वीडियोज मैं ले आऊंगी आगे जैसे मुझे टाइम लगता है. तो काफी प्रिटी बैग है, तो काफी अच्छा बना है बैग. एंड तो मैंने शूज पहने दीजिए प्यूमा के, तो ये कंप्लीट लुक है. तो ऐसा नहीं कि हम घर पे पहने, तो ऐसे तो हम वैसे घर पे रहते भी नहीं है, तो कहीं भी बाहर आ जा रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो वैसे भी हम पहन सकते हैं. फ्रेंड्स के साथ चिल करने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसे में हम ऐसी चीजें पहन सकते हैं. सूट के मैंने कॉस्ट आपको बता दी 350 रुपीज है, और अस्तर का लगा है 150 रुपया, तो 500 रुपए के अंदर कंप्लीट मेरा एक क्वार्ट सेट रेडी है सिर्फ 500 रुपीज. यस, अर्बैनिक पे चेक करते हैं 3,500 रुपीज, 4,000 ये ऐसे भी, और सस्ते मिल जाते हैं तो उनका फैब्रिक इतना अच्छा नहीं होता, तो बाकी वो ठीक है. बाकी मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मतलब ये होता है कि जब आप खुद से कोई चीज बनाते हो उसको पहनने में मजा कुछ और ही है, तो वो मजा मैं इस टाइम पे एंजॉय कर रही हूँ. तो ये नेक्स्ट कैच आउटफिट है, तो मैं यहाँ पे रणवीर सिंह की कुछ दे देती हूँ पिक्चर, इधर आप देख लो. आई नो कलर वगैरह बहुत अंतर है उसका, आइसक्रीम बनी हुई है कपड़े के ऊपर, एंड ग्रीन रेड ब्लू सब कुछ मिक्सअप उसके अंदर, येलो सॉरी, एंड मेरा थोड़ा सा ऑफ व्हाइट बीज काइंड ऑफ कलर आ रहा है, तो वो लेकिन पैटर्न सेम है, ठीक है. पैटर्न उसका भी लूज इस तरीके से उसने एक पिक करी हुई है, इस तरीके से ऐसे खड़ा है वो, एंड तो वो आप देख लो. तो इस तरीके से मैंने, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो. इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगी. शर्ट की कटिंग की वीडियो अलग है, प्लाजो की अलग है. प्लाजो की स्टिचिंग की वीडियो नहीं दूंगी मैं क्योंकि मैंने बहुत दे चुकी हूँ, और पॉकेट्स मैंने पहली बार लगाई है इसलिए मैं इसकी कोई आपको वो नहीं दिया. मैंने इसमें कटिंग बता दी पॉकेट्स की, लेकिन इसमें मैं आपको स्टिचिंग दे दूंगी पॉकेट्स की, कैसे आप स्टिच करोगे. तो नेक्स्ट हम बनाते रहना है, ऐसी वीडियोस आती रहनी है. कोवर सेट गर्मी शुरू होगी, मैंने ढेर सारे बना देने हैं अलग अलग फैब्रिक के अंदर, कॉटन रेयन है ना, जॉर्जेट सब में बना लेंगे हम, कोई बात नहीं. तो उनमें आपको देती रहूंगी पॉकेट्स वाली. तो फिलहाल के लिए पॉकेट्स नहीं मैं आपको बता रही, कटिंग की वीडियो आएगी इसकी अलग. पहले मैं सोच रही दोनों की एक ही वीडियो में कटिंग एंड स्टिचिंग मतलब कर दूं, बट अभी मैं जब एडिटिंग कर रही थी 11 मिनट की सिर्फ इसकी वीडियो है. अब बताओ उसमें शॉर्ट डाल दूं, शर्ट की तो मुझे लगता है ज्यादा हो गई क्योंकि शर्ट में काफी बारीकी काम होता है ना, जैसे ये कहाँ से लगे, इसके अलग पार्ट, ये अलग पार्ट कट होता है, ये वाला पार्ट अलग कट होता है, फ्रंट पार्ट अलग, तो हर चीज अलग अलग कट होगी तो काफी लेंथी वीडियो बन जाती है, इसलिए मुझे 2 पार्ट में करना पड़ता है. हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ एक पार्ट में हो जाए, बट नहीं हो पाएगी. एक पार्ट में होगी तो 35 मिनट्स की होगी, तो वो देखने वाला देखेगा भी नहीं, बोर हो जाएगा, तो इसलिए अलग कर दूंगी. सहूलियत है आपको भी, मेरे को भी, मेरे को डालनी है इसी, आपको देखनी है इसी है. तो ये नेक्स्ट आउटफिट है. अब आप रेट कर दो आपको कैसा लगा ये वाला, काफी कम्फी है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फिटिंग है. बाकी फिटिंग कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो में सब कुछ मैं दे दूंगी आपको, एक्सप्लेन कर दूंगी सब कुछ. पहली बार स्टिच करी है मैंने शर्ट, बट बहुत बहुत अच्छी थी पहली बार में भी. सो या दैट इज द टुडेस वीडियो, आई होप यू लाइक इट. अब आपको क्या करना है, रेड हार्ट कमेंट कर दो, कुछ रेड रेड है इसके अंदर, हाँ रेड बटन ही मैं लगाया इसके ऊपर, ये वही रेड बटन कल लेकर आई थी, कास करवाए तो कल वॉश करा था, बटन लगा दिए, ठीक है. 7 बटन लगे हैं टोटल, यहाँ पे 7 बटन लगे हैं, ठीक है. तो या तो अब आप रेड हार्ट कमेंट कर दो आपको कैसा लगा. अगर अच्छा लगता है आपको, बाय द वे आप कुछ अपनी तरफ से कोई वर्ड्स कहना चाहते हो वो भी आप मुझे कह सकते हो. एंड ये जो मेकअप लुक मैंने कर रखा है इसका शॉर्ट्स मैं अपलोड कर दूंगी, काफी बेसिक सिंपल है, बस रेड लाइनर लगाया मैंने स्विस ब्यूटी की तरफ से, मुझे 2 क्लैब में रिसीव हुए थे पर्पल एंड रेड, तो मैंने रेड भी ट्राई करा, पहली बार ट्राई करा है. एंड चोटियां बना लिया सिंपली, मुझे लगा कि क्वार्ट्ज सेट में ना कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे हेयर स्टाइल से ओपन छोड़ो, ओपन भी होते हैं ऐसी बात है, बट बन होते हैं, 2 बन होते हैं ना, चोटियां होती है इस तरीके से. तो मैंने कहा चलो मैं भी ऐसे कुछ बना लेती हूँ, इसके साथ अच्छा भी लग रहा है, लग रहा है कि हाँ कैजुअल कुछ पहना है मैंने ऐसे. तो या तो अब कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब आपका काम है, मेरे हाथ में जो काम था वो मैंने यहाँ पे कर दिया. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, अभी कुछ पता नहीं है.
बट काफी कुछ काफी सामान काफी मतलब कपड़े पड़े हैं मेरे पास बनाने के लिए, तो वो बनाएंगे. एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू सो मच, बाय. एंड दैट हाँ कॉमेंट कर देना. बाय बाय, लव यू सो मच, बाय.